फिल्म पद्मावती का विवाद पूरे हिंदुस्तान भी नहीं बल्कि विश्व भर में एक हिला डुलाने वाला मामला चल रहा है। उस पूरे विवाद पर कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके अलावा अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, कई सारे राजपूत समाज के तो लोग, सिर्फ राजपूत समाज नहीं बल्कि और भी कई समाज के और धर्मों के लोग भी इस संदर्भ में फिल्म को बैन करने की बात कर रहे हैं। तो आज इस खास लाइव के अंदर विधायक सवाई माधोपुर दिया कुमारी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, काफ़ी सारे आपने सेशंस भी दिए हैं, तो आज हम इस मंच से ये आपसे पूछना चाहेंगे इस पूरे विवाद के ऊपर आपकी क्या राय है और अब आगे क्या इस बारे में क्या ख्याल है। जी, ये जो चल रहा है पद्मावती फिल्म पे सभी लोगों का, जिस तरह से आपने देखा होगा, बहुत आक्रोश है लोगों में, बहुत गुस्सा है, क्योंकि मूवी की शूटिंग से लेके अभी तक बार बार ये हम लोग मांग उठा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप या तो स्क्रिप्ट दिखाने की बात थी शुरू में, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया, तो उनको शूटिंग करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने सॉन्ग्स दिखाना शुरू कर दिया, उस समय उन्होंने कहा था कि मूवी पहले हम लोग इसको दिखाएंगे और सभी संगठनों को दिखाई जाएगी, फैमिली को जाएगी और उसके बाद ही रिलीज होगी, गाना भी रिलीज नहीं होगा। लेकिन वो उन्होंने माना, गाना भी रिलीज कर दिया, जो हमारी राजस्थानी जो कल्चर होता है, जिस तरह से घूमर नृत्य किया जाता है, उसमें वो नहीं दिखाया, उसमें बिल्कुल ही हटके एक बॉलीवुडाइजेशन किया गया है गाने का, घूमर नृत्य का, उससे भी सब लोग नाराज हैं। उसके बाद अगर गाना ही ऐसे दिखाया है, ट्रेलर में ही इतना कुछ है जो सही नहीं है, तो फिर मूवी में क्या होगा? इसलिए लोगों के दिमाग में ये सब सवाल उठ रहे हैं। और जो घूमर का जो जिक्र किया है खास तौर से, तो उसमें क्या ऐसा लगता है ट्रेलर को देख करके कि क्या वो पूरी संस्कृति के ऊपर एक मतलब आपत्तिजनक स्थिति बता रही है, क्या मामला है? जी, ये ऐसा है कि जो घूमर नृत्य है, इसमें दिखाया गया है कि रानी पद्मावती जो रानी थी वो परफॉर्म कर रही हैं इतने लोगों के सामने, जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रानियां कभी परफॉर्मेंस नहीं देती थी। अगर कभी डांस वगैरह इस तरह से होता भी था तो अपने फैमिली के साथ और छोटे फंक्शन में होता था, जैसे शादी ब्याहों में और चीज़ों में, पर वो इस तरह से जिस तरह से परफॉर्म करते हुए दिखाया है वो बिल्कुल सही नहीं है। उनकी पोशाक भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो मतलब ये सब चीज़ों की आपत्ति तो है ही ना। बिल्कुल, हमारी महिला संगठन है इतनी सारी राजस्थान में, वो बहुत, उनको भी बहुत, उनके अंदर भी बहुत दुख है कि मतलब इस तरह से आपने कैसे दिखाया, ये हमारा राजस्थानी कल्चर है और इसको आप इस मूवी में दिखाएंगे तो सही तरीके से तो दिखाएं, अगर आप गलत तरीके से दिखाएंगे तो पूरे विश्व भर के लोग राजस्थान में आते हैं और हमारे कल्चर को देखते हैं और इतना पसंद करते हैं, तो उनके सामने गलत मैसेज जाएगा और गलत तरीके से दिखाया जाएगा, तो वो पूरा कुछ डिस्टॉर्शन हो जाएगा सभी चीज़ों का। सवाई माधोपुर में भी कई जगह प्रोटेस्ट हुए और अलग अलग महिलाएं भी और कई समाज के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिग्नेचर कैंपेन आपकी तरफ से इनिशिएट किया गया था, तो अब तक कैसा लोगों की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है और क्या कुछ अभी स्थिति है, बैन होने की कगार पर है क्या फिल्म? जी, ऐसे ही लग रहा है कि अभी इस स्थिति में तो मूवी रिलीज नहीं हो पाएगी, और जैसा कि आपने देखा कि बहुत लोगों में गुस्सा भी है, बहुत लोग भावनाओं में बहकर बहुत कुछ कह भी रहे हैं। और दूसरा क्या है कि सिग्नेचर कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया, उसका समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, अभी सभी बहुत सारे संगठन, बहुत सारे समाज, सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। हर रोज़ मुझसे कोई ना कोई संगठन, कई संगठन मिलते हैं आके, महिला संगठन भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो ये सभी को लेकर, सभी को लग रहा है, सभी के अंदर जो दुख है कि भाई हमारी महिला जो एक वीरांगना थी जिनको हम पूजते हैं, उनके बारे में कोई भी गलत चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। फाइनली अब आपका क्या मैसेज है जो एडिट वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, फिल्म बनाने वाले, पद्मावती को डायरेक्ट करने वाले और जो लोग उसके फेवर में हैं, उन लोगों को क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाहेंगे लास्ट वर्ड? मैं उनको यही कहना चाहूँगी जो मूवी की जो टीम है भंसाली जी की, कि वो अपनी तरफ से कम कुछ तो पहल करें, कि वो मूवी की जैसी स्क्रीनिंग की बात चल रही है या कोई कमेटी बैठाने की बात चल रही है, तो अपनी तरफ से उन्होंने अभी तक कोई पहल नहीं करी है कि चलो मैं तैयार हूँ दिखाने के लिए, आप बताएं किसको बैठाएंगे, किसको दिखाना है, क्या करना है आगे। उन्होंने अभी तक अपनी तरफ से कुछ भी पहल नहीं की, कुछ भी कोशिश नहीं की, तो बस चल रहा है फिर जैसे चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो खुश हो रहे होंगे शायद कि उन्हें इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, और हमारे ही हिस्ट्री के बारे में, राजस्थान के बारे में आप जा रहे इस तरह से गलत चीज़ दिखा रहे हो, और गलत चीज़ दिखाने के बाद आप उसको कमर्शलाइज कर रहे हो और खुद उस पर पैसे बना रहे हो, वो कितनी गलत बात है वो। और अगर आप अच्छी चीज़ बना रहे हो, हम सब चाहेंगे कि राजस्थान ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, फिल्म शूटिंग्स भी हों, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, लेकिन कुछ भी गलत तरीके से हो वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो।
आपने देखा देखा होगा कि एक लाइव सेशन विधायक दिया कुमारी जी के साथ हमने किया था, जब सोशल चौपाल में सवाल पूछे गए तो सवालों के जवाब तो हमको बहुत बाद में मिले, लेकिन उन सवालों के ऊपर काम इन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया। तो खास तौर से उस सोशल चौपाल में जो क्वेश्चंस थे, आपने देखा भी होगा, मलान डूंगर की बात हो चाहे गंदगी की बात हो और भी जितने सारे इश्यूज थे, उन पर काम पहले शुरू कर दिया था। तो हमें खुशी इस बात की है कि हमारे साथ में ऐसी विधायक सवाईमाधोपुर में है। इस संबंध में आपका क्या ओपिनियन रहेगा? जी नहीं, आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों के माध्यम से हमें भी बहुत सारी बातें पता पड़ती हैं जो हमें शायद नहीं पता पड़ती नॉर्मली। तो आप लोग हमें समय समय पर बताते रहते हैं कि कहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ पर सही हो रहा है, कहाँ पर इतना सही नहीं हो रहा है। तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, सवाईमाधोपुर ऐप को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों का जिस तरह से हम लोगों का आपसी में जो जिस तरह से कोऑपरेशन है वो बहुत अच्छा है, और आगे भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलकर हम लोग सवाईमाधोपुर को और अच्छा बनाएं और विकासशील बनाएं। थैंक यू वेरी मच।